क्वेश्चन वन, एयर इज रिगार्डेड एज अ मिक्सचर बिकॉज इट्स प्रेशर में वेरी, नहीं, द टेम्परेचर में वेरी, नहीं, इट्स वॉल्यूम चेंजेस अंडर डिफरेंट कंडीशन, इस वजह से भी मिक्सचर नहीं है, ये मिक्सचर इसलिए है बिकॉज इट्स कंपोजिशन में वेरी, जो कंपोजिशन है एयर का वो वेरी कर सकता है। हम हमेशा एक रेंज लिखते हैं ना कि इतने पर, इतने टू इतने परसेंट नाइट्रोजन होगा, इतने टू इतने परसेंट ऑक्सीजन होगा, तो वो फ्रैक्शन जो है उसका, वो परसेंटेज जो है वो कुछ हद तक वेरी कर सकता है, कंपोजिशन वेरी करता है, इसीलिए एयर को हम होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं। तो करेक्ट आंसर विल बी डी। क्वेश्चन टू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड, कंपाउंड कौन सा है, स्टेनलेस स्टील नहीं है, ये एक अलॉय है, ब्रोंज भी नहीं है, ये एक अलॉय है, ग्रेफाइट नहीं है, ये एक नॉन मेटल है, कार्बन का ही रूप है। द कंपाउंड हाइड्रोजन सल्फाइड, इट इज़ अ कंपाउंड क्योंकि ये हाइड्रोजन प्लस सल्फर को एक पर्टिकुलर रेशियो में, फिक्स रेशियो में कंबाइन करने से बनेगा। दिस इज द फॉर्मूला H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। सो करेक्ट आंसर विल बी डी। क्वेश्चन नंबर थ्री, द प्रोसेस यूज टू सेपरेट ऑयल एंड वाटर, ऑयल एंड वाटर को हमने डिस्कस किया था, कौन सी टेक्निक यूज की जाती है, सेपरेटिंग फनल, ठीक है, डिस्टिलेशन नहीं होता क्योंकि ये बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस की वजह से सेपरेट होता है। सब्लिमेशन में कोई भी एक कंपाउंड जो है वो सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी अगर शो करता है तो ही उस टेक्निक से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी में हम क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर लिक्विड है उसमें से डाइज को सेपरेट करते हैं। तो करेक्ट आंसर विल बी सेपरेटिंग फनल, द बलेनियल। क्वेश्चन फोर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन एनी रेशियो, एनी रेशियो, देखो कोलॉइड्स जो है उसमें भी एनी रेशियो में हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट्स नहीं आएगा, वहाँ पर सोल्यूट एंड सॉल्वेंट आएगा, तो ये करेक्ट आंसर नहीं है। सॉल्यूशन में भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स नहीं होते, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है, कंपाउंड में कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं लेकिन वो एक फिक्स रेशियो में होते हैं, कंपाउंड्स के केस में फिक्स रेशियो होता है। द करेक्ट आंसर विल बी मिक्सचर्स। क्वेश्चन नंबर फाइव, अ मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट, सल्फर, सैंड एंड आयरन फिलिंग्स इज शेकन विद कार्बन डाइसल्फाइड एंड फिल्टर्ड थ्रू अ फिल्टर पेपर। क्या क्या लिया है, कॉमन सॉल्ट लिया है, सल्फर, सैंड, आयरन फिलिंग्स ली हैं और कार्बन डाइसल्फाइड लिया है। द फिल्ट्रेट इज इवेपोरेटेड, यानी कि हमने इसको फिल्टर किया और जो हमारे पास फिल्ट्रेट ऑब्टेन हुआ, फिल्टर के बाद जो लिक्विड ऑब्टेन हुआ, इट इज़ इवेपोरेटेड टू ड्राइनेस, इवेपोरेट करके ड्राई कर लिया एक चाइना डिश में। What will be left in the dish after evaporation? क्या बचेगा evaporation के बाद इसमें? देखो sand evaporate नहीं कर सकता, sand बच सकता है, sulfur evaporate कर सकता है, iron fillings बच सकती हैं और common। और common salt। लेकिन देखो हमने filtrate लिया है तो देखो आयरन फिलिंग्स तो लिक्विड में डिजोल्व नहीं हो सकती, इसलिए ये भी फिल्ट्रेट में नहीं आएंगी। सैंड भी वाटर में डिजोल्व नहीं हो सकता क्योंकि फिल्ट्रेट तो कब फॉर्म हुआ होगा, लिक्विड बनने पे ही फॉर्म होगा ना। तो हमारे पास आंसर जो है वो कॉमन सॉल्ट आएगा, क्योंकि कॉमन सॉल्ट जो है वो लिक्विड में ईजिली डिजोल्व कर गया होगा और फिर हमने उसको फिल्टर कर लिया। फिल्टर करने के बाद जो वाटर आया इसमें कॉमन सॉल्ट था तो उसमें से वाटर इवेपोरेट कर गया एंड फाइनली वी विल गेट कॉमन सॉल्ट। करेक्ट आंसर विल बी कॉमन सॉल्ट। क्वेश्चन नंबर सिक्स, टू सॉल्यूशन ए एंड बी व्हेन ब्रॉट टुगेदर फॉर्म अ सब्सटेंस सी। ए प्लस बी से हमारे पास सी का फॉर्मेशन हुआ। द प्रॉपर्टीज ऑफ सी आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ ए एंड बी। The substance C is
एलिमेंट नहीं हो सकता क्योंकि एक ही तरह के कंपाउंड, एक ही तरह के सब्सटेंस से, एटम से फॉर्म होता है। मिक्सचर नहीं हो सकता क्योंकि इसमें हम किसी भी रेशियो में कंपाउंड को फॉर्म करेंगे तो दोनों दोनों लिक्विड्स या दोनों सॉलिड्स जो हमने मिक्स किए हैं उनको हम इजीली देख सकते हैं। यहाँ कहा गया है कि सी की प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल अलग है, नन ऑफ द अबव भी नहीं हो सकता। करेक्ट आंसर इज़ कंपाउंड, क्योंकि कंपाउंड में हमने पढ़ा था कि दो एलिमेंट्स को जब हम मिक्स करते हैं तो हमारे पास उनके मिक्सचर से एक ऐसा कंपाउंड बनेगा जिसकी प्रॉपर्टीज़ ए और बी जिनको हमने मिक्स किया है उन दोनों से ही अलग होंगी। क्वेश्चन नंबर 7, अ मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय, फिल्ट्रेशन से नहीं सेपरेट हो सकता क्योंकि फिल्ट्रेशन से वही सेपरेट होती हैं चीज़ें जिसमें हमारे पास रेजिड्यू बचे कुछ। ये दोनों ही लिक्विड्स जो हैं अल्कोहल और वाटर दोनों एक दूसरे में बहुत अच्छे से डिसॉल्व हो सकते हैं तो इनका कोई रेजिड्यू फॉर्म नहीं होगा तो फिल्ट्रेशन विल नॉट बी एप्लीकेबल। डिकेंटेशन में क्या होता है कि हमारे पास जो फिल्ट्रेट आ गया उसको हमने डिकेंट कर दिया और जो ऊपर रेजिड्यू बच गया उसको रख लिया तो डिकेंटेशन भी नहीं होगा। सब्लिमेशन भी नहीं होगा क्योंकि सब्लिमेशन के लिए जो मिक्सचर है उसमें से किसी एक कंपाउंड का सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी शो होनी चाहिए उसमें, ठीक है। तो सब्लिमेशन नहीं होगा क्योंकि ना ही इथेनॉल और ना ही वाटर सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी शो करते हैं। करेक्ट आंसर विल बी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि दो लिक्विड जिनमें बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत कम है उनको हम हीटिंग से सेपरेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर। हमारे पास सी वाटर है और उससे हमें सॉल्ट निकालना है तो हम कौन सी प्रोसेस का यूज़ करते हैं? इवेपोरेशन का यूज़ करते हैं। उससे क्या होगा कि वाटर जो इसको हम हीट करेंगे वाटर इवेपोरेट कर जाएगा और हमारे पास यहाँ पर जो रेजिड्यू बचेगा दैट इज़ सॉल्ट। अगेन फिल्ट्रेशन एंड डिकेंटेशन आर नॉट एप्लीकेबल, नॉट द सब्लिमेशन, इवेपोरेशन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 9, वन कॉमन मेथड यूज टू सेपरेट डाइज इज, फिल्ट्रेशन एंड डिस्टिलेशन नहीं है क्योंकि हमें मिक्सचर ऑफ डाइज को सेपरेट करना है तो वो डाइज हमें क्लियरली विजिबल होनी चाहिए कि कहाँ सेपरेट हुई है। तो करेक्ट टेक्निक इज क्रोमेटोग्राफी। इसमें हमने पढ़ा था कि प्रिंसिपल क्या है कि हम एक पेपर क्रोमेटोग्राफी के लिए एक सैंपल लेंगे, उसको पेपर पर जो क्रोमेटोग्राफी के लिए सेल्यूलोज फाइबर का पेपर आता है उसके यहाँ नियर अबाउट 2 सेंटीमीटर पर लाइन लगाकर यहाँ सैंपल पुट करेंगे और हम एक सॉल्वेंट को रन करेंगे। कैपिलरी एक्शन के थ्रू सॉल्वेंट रन करेगा और इसमें जो जो कंपोनेंट हैं वो कुछ पर्टिकुलर हाइट्स पर यहाँ सेपरेट होते जाएंगे। कंडक्टिविटी इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट आंसर, सो द करेक्ट आंसर विल बी क्रोमेटोग्राफी। क्वेश्चन 10, डिस्टिलेशन इज अ गुड सेपरेशन टेक्निक फॉर, सॉलिड्स के लिए तो ये एप्लीकेबल ही नहीं है, एलॉयज के लिए भी नहीं है और गैसेस के लिए भी नहीं है। जो लिक्विड्स हैं उनके लिए हम डिस्टिलेशन की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। एयर एक होमोजेनस मिक्सचर है लेकिन उसको भी हम डिस्टिलेशन से सेपरेट करते हैं, लेकिन पहले हमें उस एयर को लिक्विड में कन्वर्ट करना पड़ता है, लिक्विफाई करना पड़ता है, ओनली देन वी कैन अप्लाई द डिस्टिलेशन टेक्निक ऑन दैट। ओके, सो डिस्टिलेशन इज़ अ गुड सेपरेशन टेक्निक फॉर लिक्विड्स।